मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर फैमिली चैनल फिजिकल एजुकेशन नेट जेआरएफ। आज हम वस्तुनिष्ठ लक्ष्य शारीरिक शिक्षा के चैप्टर नंबर 33 विटामिन के विभिन्न क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं सभी व्यूअर्स से निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि 7 या 8 अगस्त को यूपी TDGT और 2 अगस्त में आपकी जो है DSSB की डेट आ चुकी है, तो लगे रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। उससे पहले हम विटामिन्स के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन्स जो है 1881 यानी 1881 में N.I. ल्यूलिन ने जो है सर्वप्रथम विटामिनों की खोज की और इनके बारे में सभी को बताया। ऐसा माना जाता है कि 1912 यानी 1912 में जो है काश्मीर फंक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन के बारे में अपने विचार रखे और इन्हें वाइटल अमाइंस कहा। ठीक है, उसी से इसका नाम जो है विटामिन्स पड़ा। ठीक है, अभी तक लगभग जो है मानव शरीर में मुख्यतः 20 प्रकार के विटामिनों की खोज हो चुकी है, परंतु जो है मानव शरीर में लगभग 6 विटामिन ही ऐसे हैं जो मुख्यतः लाभदायक होते हैं, जिसमें कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे B, C, H और कुछ जो है फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे A, D, E, K आदि होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? आपकी रतौंधी व कजीरे थैलेमिया नामक जो है बीमारी होती है। यहाँ पर आके क्वेश्चन ये भी नोट कर लेगा कि विटामिन ए की खोज कब हुई। तो विटामिन ए की खोज जो है आपकी 1914 में इसकी खोज हुई और इसके खोजकर्ता जो है एल्मर वी वैकुलम और एम डेविस नामक वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो है दूसरा नाम यानी इसका रासायनिक नाम आपको रेटिनोल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए सर्वाधिक किससे मिलता है? तो विटामिन ए सर्वाधिक आपको जो है गाजर से यानी कैरेट से सबसे अधिक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका थायमिन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी नोट कर लेना कि विटामिन बी की खोज कब हुई। तो विटामिन बी की खोज भी जो है 1912 में हुई थी यानी 1912 में, जिसे काश्मीर फंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन बी की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन बी की कमी से शरीर में बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। तो विटामिन बी की खोज किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बता भी दिया, विटामिन बी की खोज जो है 1912 में फंक द्वारा की गई। विटामिन बी 2 को क्या कहा जाता है तथा इसका दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन बी 2 का दूसरा नाम जो है राइबोफ्लेविन होता है और विटामिन बी 2 की जो खोज है वो आपकी 1926 यानी 1926 में इसकी खोज हुई थी और डॉक्टर D.T. Smith ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B3 को आप क्या कहा जाता है? उसको हम नियासिन निकोटिनिक एसिड उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन एक और आप नोट कर लेना कि विटामिन B3 की खोज जो है आपकी कब हुई? 1937, ठीक है, 1937 में इसकी खोज हुई और कोनार्ड एल्विनजी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरोडोक्सिन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट कर लेना आप कि विटामिन B6 की खोज कब हुई। तो विटामिन B6 की खोज आपकी जो है 1941 में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? पॉल जॉर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई।
क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन B6 की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B6 की कमी से शरीर में जो है एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B12 का दूसरा नाम जो है साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट कर लेना आप कि विटामिन B12 की खोज कब हुई। विटामिन B12 की खोज आपकी 1926 में हुई और इसे जो है कोल ए फोल्कर्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो है दूसरा नाम क्या है आपका, स्कोमसाइट्रिक एसिड या एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप ऐड कर लेना कि विटामिन सी की खोज कब हुई। तो विटामिन सी की खोज कब हुई आपकी, 1912 में ही इसकी भी खोज हुई थी, जिसे ए होइस्ट तथा टी फोरलिच नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन सी की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है, यानी स्कर्वी रोग, जिसमें आपके होंठ सूखने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले किस विटामिन की खोज की गई थी? तो सबसे पहले किस विटामिन की खोज की गई, सबसे पहले विटामिन सी की खोज की गई थी। ठीक है, तो चलिए एक बार कुछ विटामिन जो रह गए थे उनकी बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी, ठीक है, तो विटामिन डी की खोज कब हुई, तो आप इसको लिख लेना, विटामिन डी की खोज आपकी 1922 यानी 1922 में हुई थी। और विटामिन ई की खोज आपकी कब हुई, ये भी 1922 में हुई। ठीक है, तो विटामिन डी की खोज किसने की, एडवर्ड मेलेनबियर, ठीक है। और विटामिन के की खोज किसने की आपकी, हेनरिक डैम ने, ठीक है, सॉरी विटामिन ई की, विटामिन ई की खोज की आपकी हर्बर्ट इवांस ने। ऐसी बात करते हैं विटामिन के की, इसकी खोज कब हुई, 1929 में जो है विटामिन के की खोज हुई, तो ये किसने की, हेनरिक डैम ने, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो विटामिन से रिलेटेड थे, और मैं अपने व्यूअर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।